Hey buddies, so this video is totally dedicated to physics क्योंकि majority बच्चों को physics में problem आती है। अब इस video में मैं basically बताने वाली हूँ कि हम सिर्फ 9 chapters पे focus करके कैसे 140 plus का score attain कर सकते हैं, और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि इन chapters से NEET 2023 में कितने questions आए हैं और किस topic से आए हैं। और ये 9 chapters तो आपको exam में बिल्कुल करके जाने ही जाने हैं, और ये जो analysis है वो मैंने NEET 2023 के बेसिस पे करी है। सो द फर्स्ट चैप्टर इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला है ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन, द सेकंड वन इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई, द थर्ड वन इज रेडियो एक्टिविटी एंड द फोर्थ वन इज सेमीकंडक्टर। सो नीट 2023 में मॉडर्न फिजिक्स से टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे, 6 इन सेक्शन ए एंड 2 इन सेक्शन बी। अब जिन टॉपिक्स में से ये क्वेश्चंस आए थे वो है वर्क फंक्शन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटमिक रेडियस, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, रेक्टिफायर, सोलर सेल, ज़ेनर डायोड, लॉजिक गेट। द सेकेंड चैप्टर इज काइनेमैटिक्स। नीट 2023 में काइनेमैटिक्स से टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे, मोशन अंडर ग्रेविटी से, एवरेज स्पीड से, एंगुलर एक्सेलरेशन से जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, प्रोजेक्टाइल से एक क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम हाइट पे था, और इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये जो चैप्टर है काइनेमैटिक्स, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसकी एप्लीकेशंस आपको आगे के चैप्टर्स में भी दिखती है, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सो द थर्ड चैप्टर इज़ यूनिट्स एंड डिमेंशंस। यूनिट्स एंड डिमेंशंस से रीसेंट 2 से 3 सालों में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस साल भी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आए थे, दोनों ही क्वेश्चन एरर से थे। एक क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल था, दूसरा क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था। द फोर्थ चैप्टर इज़ थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स नीट में हमेशा से ही एक हाई वेटेज टॉपिक रहा है। इस चैप्टर से इस साल थोड़े कम क्वेश्चंस आए हैं, बट नेक्स्ट ईयर वी डोंट नो कितने क्वेश्चंस आएंगे, सो इसे करके जाना ही बेहतर होगा। इससे नीट 2023 में इस साल 2 क्वेश्चंस आए हैं, एक क्वेश्चन आपका कैरनॉट इंजन पे था और एक आपका आरएमएस पीक पे था। द फिफ्थ चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर से इस साल 3 क्वेश्चंस आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे और टॉर्क पे। द सिक्स्थ टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस बार 5 क्वेश्चंस आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसे आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। 2 क्वेश्चंस आपको सर्किट प्रॉब्लम पे थे, एक क्वेश्चंस आपका कलर कोडिंग पे था, दूसरा आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे था, फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे था। द सेवन्थ चैप्टर इज ऑप्टिक्स विच कंप्राइजेस ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इससे टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं, 3 आपके रे ऑप्टिक्स से आए हैं, एक आपका वेव ऑप्टिक्स से आया है। तो द टॉपिक्स आर क्रिटिकल एंगल, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे 2 क्वेश्चन आए हैं, फिर आपका YDSC पे क्वेश्चन आया है जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो कि वेव ऑप्टिक्स से है। द एट चैप्टर इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस से इस साल 3 क्वेश्चंस आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फोर्स पे और मैग्नेटिक फ्लक्स पे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स वाला क्वेश्चन था वो थ्योरेटिकल था और बहुत इजी क्वेश्चन था। 9th चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आए हैं, ट्रांसफॉर्मर से आया है, इम्पीडेंस से आया है एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आया है। So this was all about the video. If you find this video helpful, then please don't forget to like the video and subscribe the channel.